I'm Deepali and this is Deepali's Veg Kitchen. आज मैं सूजी से भल्ले बनाने वाली हूँ. इसके लिए हमें ओवरनाइट वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा. तो आइए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. तो इसके लिए हमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट एक कप सूजी लेना होगा, फिर आधा कप दही, आधा कप पानी और उसके लिए है लाल मिर्च, नमक, काला नमक, पेपर और चटनी और सॉस यूज की है और ये भुना हुआ जीरा और ये फेंटी हुई दही रखी है और भल्लों को फुलाने के लिए ये बेकिंग सोडा यूज किया है. तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये रेसिपी. तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूंगी, इसमें मैं एक कप सूजी डालूंगी, कप दही और साथ में हल्का सा नमक पेस्ट के लिए. आप चाहें तो इसमें हींग और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्टी हो जाएगा. तो पहले इसे मिक्स कर लेंगे. तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गांठे ना बने. तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है. अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे. तो 10 मिनट हो चुके हैं तो हम एक बार ही चेक कर लेंगे. हमारी सूजी फूल चुकी है और ये बहुत गाढ़ा हो चुका है तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डालूंगी. हम इसे बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है. तो इस तरह से मिक्स कर लूंगी. तो ये इस तरह से बन गया है. ये बहुत गाढ़ा नहीं है पर ज्यादा पतला भी नहीं है. तो अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे ताकि हमारे बल्ले अच्छे से फूले. चलता तो इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे. आप देख सकते हैं हमारा बैटर पहले से थोड़ा फूल गया है. तो अपना तेल गरम करने के लिए रख देते हैं. अच्छे से गरम हो गया तो मैं इसे गोल करछी की मदद से इसको तेल के अंदर डालूंगी ताकि ये गोल बने. बहुत आराम से डालें और इसे धीमी आंच पे पकाएं. ऐसे ब्राउन से हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं. इस तरह से बाकी को भी तल लिया है. अब मैं एक कटोरे में थोड़ा नॉर्मल पानी लूंगी और इनको उसमें डुबो दूंगी. ध्यान रहे पानी ठंडा ना हो और इनको 2 मिनट तक इसमें छोड़ दूंगी और फिर इन्हें ऐसे निचोड़ के प्लेट में डालूंगी. ध्यान रहे हमें इसे ज्यादा देर तक पानी में नहीं रखना और पानी में रखने की वजह से इनका एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाता है. तो इसके ऊपर मैं ये दही पा दूंगी. इसके बाद थोड़ी सी लाल चटनी डालूंगी. आप इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ सॉस यूज कर रही हूँ. इसके बाद थोड़ी सी हरी चटनी मैंने घर पे ही बनाई है पुदीना से. उसके बाद थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा भुना हुआ जीरा साथ में ऊपर से हल्की सी लाल मिर्च और चाट मसाला. तो ये तैयार हो गए हैं हमारे दही भल्ले. आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.